मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, किसानों के साथ वादा खिलाफी कांग्रेस ने की। राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस किसान यात्रा निकाली गई, जिस पर वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, किसानों के साथ वादा खिलाफी आपकी सरकार ने की है, किसानों का कर्ज माफ करने का झूठा वादा आपने किया था और बाद में जब आपकी सरकार गिर गई तो किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज ट्रैक्टर रैली निकालकर नाटकबाजी कर रही है। 15 महीने की सरकार थी, किसान के साथ वादा खिलाफी किसने की? किसने किसानों को कहा था, वादा करके आए थे और गलती से सरकार में आ गए थे, तो उन किसानों को धोखा किसने दिया? तुम ही थे, कांग्रेस ही थी। और बाद में जब आपकी सरकार गिर गई तो उसके बाद किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जी, हर किसान को सशक्त और सक्षम बनाना देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर तो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पैर पर खड़ी रहती है, किसान हमारी ताकत है। तो इसलिए कांग्रेस ये जो ट्रैक्टर रैली निकालने का या न्याय, तो भैया पहले आप किसानों के साथ जो आपने अन्याय किया उसका जवाब तो दे दो। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा कैसे किया। उन्होंने पूछा कि मूल्य वृद्धि सेंटर गवर्नमेंट से होती है या स्टेट गवर्नमेंट से। पिछले 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन बीजेपी आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। अरे भाई, कैसे किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया? 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और ये कह रहा है कांग्रेस की सरकार है। मूल्य वृद्धि सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है कि स्टेट गवर्नमेंट से होती है? कोई स्टेट सब्जेक्ट थोड़ी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।